हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू क्लासेस। मैं बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एमएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर टू में जो आपको फिफ्थ ऑप्शन मिलता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों की जो एमएड की सीरीज़ चल रही है, इसमें मैं आप लोगों के साथ में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सभी जितने भी सब्जेक्ट सभी का सिलेबस शेयर कर चुकी हूँ। और अब आप लोगों का जो एमएड थर्ड सेमेस्टर है, इसमें पेपर टू चल रहा है, पेपर वन के भी जितने भी ऑप्शन थे उन सबका सिलेबस आप लोगों के साथ में शेयर किया जा चुका है। और ये पेपर टू का आप लोगों का जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसका सिलेबस हम आज देखने वाले हैं। और सिलेबस को जानना समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कई बार आप लोगों को बुक में टॉपिक नहीं दिया होता और कई बार ऐसे टॉपिक्स दिए होते हैं जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं होते। तो अगर आप सिलेबस से आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को ईजी रहेगा। और ये जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। हरियाणा यूनिवर्सिटी का मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और जितने भी वीडियोज़ में अब तक आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। एमएड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उस पर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एमएड से रिलेटेड। तो इसी तरीके सभी बच्चे जो भी बीएड से हैं, एमएड से हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीपी पढ़ना चाहते हैं, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसको हम देख लेते हैं। 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, और इसमें आप लोगों का 75 मार्क्स की थ्योरी है और 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल होता है। तो यूनिट वन देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, यूनिट वन है आप लोगों का मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर है आप लोगों का एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है सिस्टम अप्रोच टू एडुकेटर। नेक्स्ट है आप लोगों का सिस्टम अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट है आपका मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग। देन है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, कंडीशनिंग एंड ट्रेनिंग, स्टेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। इसके बाद में आप लोगों का यूनिट टू आ जाता है कम्युनिकेशन, जिसके अंदर है आपका मीनिंग कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आप लोगों का एलिमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेसेसिटीज फॉर बेटर कम्युनिकेशन। इसके बाद आपकी यूनिट थ्री आ जाता है। यूनिट थ्री में इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया इन एडुकेशन, जिसमें मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, जिसमें है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड रेफरेंसेज, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस फॉर एडुकेशनलिस्ट और इंफॉर्मेशन किसकोस और मल्टीमीडिया www एंड के वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ये है आप लोगों का। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट फोर, जिसमें है एडुकेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, एडुकेशनल सिमुलेशंस। और नेक्स्ट है आप लोगों का इंटीग्रेटेड लर्निंग सिस्टम। इसके बाद है करिकुलम स्पेसिफिक एडुकेशनल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आप लोगों का है यूनिट फाइव। यूनिट फाइव है आप लोगों का डिस्टेंस एडुकेशन, जिसमें है आप लोगों का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स, बैरियर्स, मोड्स ऑफ डिस्टेंस एडुकेशन। इसके बाद है इवेल्यूएशन इन डिस्टेंस एडुकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का फ्यूचरिस्टिक व्यू ऑफ एडुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एंड लास्ट टॉपिक है आप लोगों का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड यूजेस। तो ये फाइव यूनिट्स हैं आप लोगों की जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बच्चे कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको। देखिए, आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में फाइव यूनिट्स आपको दी गई होती हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी से आप करते हैं किसी से भी, जैसे कि आपका CRSU है, आप लोगों का MDU है, तो उसमें आप लोगों को फोर यूनिट्स आप लोगों की मिलती हैं और उसमें 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा सिलेबस को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस पूरा डिस्कस किया है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। तो डीपली पढ़ें, डीप नॉलेज लें। और आप लोगों के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, जो बच्चे पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप लोग पढ़िए, अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ भी सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, तो उनको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।